ये कहानी कड़ी मेहनत और बुलंद हौसलों की है। पानी की भारी कमी और समस्या के समाधान के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जाने पर गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में एक आदिवासी व्यक्ति ने अपने घर के पास ही कुआं खोदना शुरू कर दिया। छोटा उदयपुर के कदौली मोहली गांव में रहने वाले कुशल भील ने जल संरक्षण की दिशा में एकला चलो का संकल्प दिखाया। इसी का नतीजा है कि अपने घर के ठीक सामने वे कुआं खोद रहे हैं। कुशल भील का कहना है कि वे मॉनसून की बारिश शुरू होने तक कुआं खोदना जारी रखेंगे। कोई पण सिंचाई सुविधा नहीं अने पानी नु बहुत दुख होवाथी ए कुआं नु काम शुरू करवामां आव्युं छे। अने जो कुआं मां थळमां पानी नहीं आवी सके तो तळाव बनावामां आवशे। आवो मैं विचार करीने आ काम शुरू कर्युं छे। तो हूँ रह्यो छूं नानो खेडूत અને વરસાદમાં એક જ વાર ખેતી કરીને ઉનાળામાં મજૂરી કરીને જીવન ગુજારી શકું છું। કુશલ ભીલ જિસ ઇલાકે મેં રહેતે હૈ વહાં સિંચાઈ કી કોઈ વ્યવસ્થા નહીં હૈ। યહાં તક કે પરિવાર કી રોજમર્રા જરૂરતો કે લિયે પીને કા પાની ભી દૂર સે લાના પડતા હૈ। કાફી દૂર સે પાની લાતે લાતે થક ચુકે કુશલ ભીલ ને આખિરકાર ખુદ હી કુઆં ખોદના શરૂ કર દિયા। વે ખુદાઈ કે લિયે પારંપરિક ઉપકરણો કા ઇસ્તેમાલ કર રહે હૈ। 2 महीने बीत चुके हैं और कुआं अब लगभग 40 फीट गहरा हो चुका है। कुशल को खुदाई में अभी तक पानी नहीं मिला है और उन्हें उम्मीद है कि बारिश का पानी कुएं में इकट्ठा हो जाएगा। कड़ोली मोहड़ी गांव में कुशल भाई नानजी भाई जाते सख्त मेहनत करीने 2-2.5 महीना सख्त 30-35 फुट ऊंडो खाड़ो कुओं खोदो से कि मेहनत करे से कि कुआं में पानी आवे અને કુવાનું પાણી ઢોરને પોતા માટે ઉપયોગી થાય અને સારું એવું મહેનત મળે અને શિયાળામાં ખેતી થાય એના માટે બહુ મહેનત કરે છે કુશાલભાઈ। સ્થાનિય નેતા શૈલેશભાઈ કહેતે હૈ કે એક તરફ સરકાર બારિશ કે પાણી કો બચાને કે લિયે જલ સંરક્ષણ બાંધ બનાને પર લાખો રૂપિયા ખર્ચ કર રહી હૈ, લેકિન દૂસરી તરફ ઉસે ઉન ઇલાકો મેં પાણી કા ઇંતજામ કરને કી ભી જરૂરત હૈ જહાં પીને કે પાણી કી કિલ્લત હૈ। तो हमारी भी लागणी से सरकार श्री ओने के सिंचाई नो पानी करी आपे अने हाल मा कड़ोली एक खेडूते एक वो खोदे से एने भी आशा से के मने पानी मळे। जो पानी हमने हाल मा ना मळे तो वरसाद नो पण रोकाय ते पण हूँ खेती मा जवडाईश एवी आशा करीने खेडूते एक वो खोदे से। लोग अब कुशल की कोशिश की तुलना बिहार के दशरथ मांझी से कर रहे हैं जिन्होंने सड़क बनाने के लिए पहाड़ काट डाला था। मांझी को आखिरकार सरकार का समर्थन मिला और उनके गांव के लोग सड़क से जुड़ गए। कदौली मोहली गांव के लोग गुजरात सरकार से भी इसी तरह के समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं।